गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट वन वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले दीर्घवृत्त के बारे में, यानी कि इलिप्स के बारे में। इलिप्स भी आपका एक कोनिक सेक्शन ही होता है, यानी एक शंकु परिच्छेद ही होता है। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब किसी लंब वृत्तीय शंकु में हम लोग समतलों को अलग अलग कोणों पर गुजारते हैं तो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती है, जिसमें से एक दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स भी होता है। तो इलिप्स कब बनता है? तो जब हम इस अक्ष के नब्बे के अलावा किसी भिन्न कोण को लेकर, यहां देख रहे हैं ना, नब्बे के अलावा ये भिन्न कोण है, देख रहे हैं ना, ये लंब नहीं है, यह समतल जो है लंब प्रतिच्छेद नहीं हुआ, नब्बे के अलावा किसी दूसरे कोण पर प्रतिच्छेद होके जा रहा है इसको। तो यहां जो आकृति यह बन रही है, यही आकृति आपका क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त कहलाएगा। यहां भी देख रहे हैं, यह जो आकृति इस पे बन रही है, इस समतल को गुजारने से इस शंकु के ऊपर एक आकृति बने ना, और यही आकृति क्या है आपका? दीर्घवृत्त है। समझ गए? तो 90 के अलावा किसी अन्य कोण को ले लेंगे, या तो 90 से छोटा ले लो या 90 से बड़ा लो, और इस तरह से परिच्छेद कराएंगे किसी भी समतल को, तो वहां जो आकृति बनेगी उस शंकु के ऊपर वही आपका दीर्घवृत्त होगा। जैसे आप सिंपली लो, आप एक कोन वाला आइसक्रीम लो और कोन वाले आइसक्रीम को आप यहां से ऐसे काट दो, यहां से तिरछा काट दो, तो काटने पर कुछ यहाँ पे ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा? इस तरह की कोई आकृति दिखेगी, है ना, यानी कि इस तरह की आकृति दिखेगी, लंबा दिखेगा, वृत्त जैसा नहीं दिखेगा, वृत्त जैसा नहीं दिखेगा, यह लंबा आकृति दिखेगा, और यही लंबी आकृति जो होगी यह आपका दीर्घवृत्त होता है, इलिप्स होता है। तो चलिए हम लोग इलिप्स को परिभाषित करते हैं पहले। चलिए, तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि दीर्घवृत्त समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ है, समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ है जिसका दो दिए हुए बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है, तथा यह अचर दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी से बड़ी है। चलिए इसको समझते हैं। चलिए, यह जो होगा, यह जो आकृति बन रही है, यही आपका दीर्घवृत्त कहलाता है, यह आकृति दीर्घवृत्त कहलाता है। तो यह उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो दो दिए हुए नियत बिंदुओं से दूरियों का योग अचर होता है। यहाँ पे देखिए, इसमें दो नियत बिंदु होंगे, ठीक है, दो नियत बिंदु होंगे, एक का नाम दे दो S और दूसरे का नाम दे दो S डैश, और इन नियत बिंदुओं को हम लोग इसका नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। यह भी नाभि है और दूसरी नाभि यह है, ठीक है। तो यह अचर कैसे होता है? तो इस पे आप मान लो एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे P, और यहाँ ले लेते हैं Q, ठीक है, या यहाँ ले लेते, कहीं भी ले लो यार, आप एक आर यहां भी ले लो। तो यहां देखो, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, उसी तरह यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, उसी तरह यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का योग जो होगा अचर होगा, बराबर होगा। आप देख लो यहां से क्या लिखे हैं, कि एक बिंदु का बिंदु पथ है, या वो पथ है जिसका दो दिए हुए बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। मतलब दो दिए बिंदु कौन है? S और S डैश है, यानी इसके नाभि है। तो इस नाभि से इस पथ पे स्थित किसी भी बिंदु की दूरी का योग, यानी कि PS और प्लस PS डैश, PS प्लस PS डैश बराबर होगा किसके? RS प्लस RS डैश, RS प्लस RS डैश बराबर होगा किसके? QS बराबर क्यू एस डैश। मतलब इस पथ पे कोई भी बिंदु लेंगे, उनके नाभियों से दूरी का योग हमेशा बराबर होगा, वो अचर होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो ये अचर होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, समझ गए? यहां से ये दूरी का योग क्या होगा? अचर होगा। और फिर ये आगे लिखा है कि यह अचर यानी किनके ये दूरी का योग जो हो रहा है, वह दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी से बड़ा होता है, यानी कि ये जो नियत बिंदु है एस और एस डैश, इनके बीच की दूरी क्या होगी? एस एस डैश होगी। तो एस एस डैश से यह कॉन्स्टेंट जो हो रहा है, अचर जो होगा, हमेशा बड़ा होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ कि पी एस प्लस पी एस डैश जो होगा, बड़ा होगा एस एस डैश से, आर एस प्लस आर एस डैश जो होगा, हमेशा बड़ा होगा एस एस डैश से, इन दोनों के बीच की दूरी, समझ रहे ना? क्यू एस प्लस क्यू एस डैश बड़ा होगा कब? किससे? एस एस डैश से। समझ में आ गया डेफिनेशन से? तो दीर्घवृत्त समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ है, बिंदु का बिंदुपथ है जिसका दो दिए हुए बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है, दो दिए हुए बिंदुओं से दूरी का योग, हमेशा अचर होगा। हाँ, वह अचर कुछ भी हो सकता है, दो चार आठ दस कुछ भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब बराबर ही होंगे। चलिए,
अचर होगा। और फिर क्या होगा, यह अचर जो होगा दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी से बड़ा होगा, दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी यानी एस एस डैश के बीच की दूरी से यह जो होगा ये बड़े होंगे, ठीक है, जैसा कि यह दिखा रहा है। अब देखो ये इन दोनों की बीच की दूरी यानी दोनों नाभियों के बीच की दूरी होती है, जो नियत बिंदु जो है ना इनके बीच की दूरी को हम लोग 2c से डिनोट करते हैं, 2c से, यानी कि यहां से लिख लेंगे कि नाभियों की बीच की दूरी, नाभियों की बीच की दूरी, बीच की दूरी जो होता है वह 2c होता है, ठीक है। नियत बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा 2c से सूचित करते हैं, याद रखना। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन है, दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा है उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू एलिप्स, पहला देखते हैं केंद्र यानी कि सेंटर क्या होता है। दो नाभियों यानी कि जो नियत बिंदु थे ना, दो नाभियों का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक दीर्घवृत्त बनाते हैं, चलिए आपका दीर्घवृत्त हो गया। अब दीर्घवृत्त का नाभि कहाँ होगा, तो नाभि यहाँ और यहाँ पे होगा, ठीक है। एक को एस दे देते हैं और एक को एस डैश दे देते हैं, तो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु, तो इन दोनों के मध्य बीच का मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, आपका केंद्र कहलाएगा, दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाएगा। चलिए इसको अक्ष पे बनाकर समझते हैं, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। इसको अक्षों पे दर्शाकर हम लोग समझते हैं, और यहाँ पे हमने एक दीर्घवृत्त बना लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमने देखा है जी एक्स है, इधर एक्स डैश है, ये वाई है और नीचे जो है आपका वाई डैश है, ठीक है। तो यह जो देख रहे हैं यहाँ पे आपकी ये और ये नाभि हो जाएंगी, नाभि हो जाएंगे ना, चलिए यह नाभि हो गया, यहाँ भी नाभि हो गया, तो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु इसका ये मूल बिंदु हो गया, तो इसी को इस दीर्घवृत्त का केंद्र कहेंगे। मतलब कि केंद्र क्या है, दोनों नाभियों के बीच का मध्य बिंदु, समझ रहे ना, दोनों नाभियों के बीच का मध्य बिंदु जो है वही आपका केंद्र कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस पर ही लाइक रहे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से भी आपको समझ में आ गया केंद्र, यहां से भी क्लियर हो गया। चलिए अगले डेफिनेशन पर चलते हैं। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग चाप कर्ण यानी कि जीवा के बारे में, कोड के बारे में। तो दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड दीर्घवृत्त का जीवा कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यार, आप जैसे वृत्त में जीवा समझते हो ना, उसी तरह दीर्घवृत्त में भी जीवा, कहने का मतलब ये आपका दीर्घवृत्त हुआ, इस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे भी मिला दो, दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा खंड होगी, जैसे इसको ए बी नाम दे, तो देखो तो ए और बी को मिलाने वाली एक रेखा खंड हो रही है ना, ये दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु है ना ए और बी, उसी तरह यहाँ पी क्यू, उसी तरह मान लो यहाँ आर एस दे दी, तो ये सारे जो देख रहे हैं ये आपकी क्या है, चाप कर्ण है यानी कि जीवा है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग वृत्त में भी जानते थे कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कराती है, जीवा कराती है, उसी तरह से यहाँ भी वही बात है कि दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जीवा कहते हैं, दीर्घवृत्त का चाप कर्ण कहते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे दीर्घ अक्ष के बारे में यानी मेजर एक्सिस के बारे में। तो मेजर एक्सिस क्या है, तो दो नाभियों से गुजरता हुआ दीर्घवृत्त का चाप कर्ण यानी कि दीर्घवृत्त का जीवा इसका दीर्घ अक्ष कहलाता है, ठीक है। दीर्घवृत्त के अर्ध, दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई को ए से सूचित करते हैं। चलिए यहां से आपको समझाते हैं इसके बारे में। यहां पे हमने एक दीर्घवृत्त बना लिया, अब देखिए इसमें दीर्घवृत्त में यहां पे अगर हम लोग इसके नाभियों की बात करें तो दोनों नाभि यहां पे हो जाएंगे, तो एक का नाम दे दिया एस और एक दूसरे का नाम एस डैश, ये दोनों नाभि है। तो इन दोनों नाभियों से होकर जाने वाला चाप कर्ण जीवा जो होगा वो ऐसे होगा, ये ना होगा आपका, दोनों नाभियों से होकर जाने वाला जीवा है, तो जीवा है तो वो आपको दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगा ना, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये जो यहां से यहां तक ये प्रतिच्छेद करते हुए दोनों नाभियों से होकर जाने वाला ये जो जीवा देख रहे हैं यही जीवा जो होगा दीर्घ अक्ष कहलाता है। इस अक्ष को क्या कहेंगे, दीर्घ अक्ष कहेंगे, दीर्घ अक्ष के नाम से जानेंगे, यानी दोनों नाभियों से होकर जा रहा है और एक जीवा भी है, जीवा इसलिए है क्योंकि ये दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई यानी कि इसका जो यहाँ पे आपका केंद्र था ना, सेंटर जो ना था, सेंटर का आधा, अर्ध मतलब आधा ना होता है जी, यानी कि यहां से यहां ए होगा, उसी तरह यहां से भी यहां ए होगा, यानी कि यहां से हमने देख लिया कि दीर्घ अक्ष की कुल लंबाई जो होगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई
दीर्घ अक्ष की लंबाई कुल लंबाई जो होगी वह क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगा। समझ गए ना, आप देख रहे हो ना, लिखे हैं कि दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई यानी कि इसके आधा की यहां से यहां तक की, तो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a से करते हैं, यानी कि टोटल लंबाई यहां से यहां क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो इसको o दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनके इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2c होती है, पता है ना जी, दोनों नाभियों के बीच की दूरी 2c होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। यानी कि अगर इसको अक्षों पे बनाना होगा तो अक्षों पे बनाने के लिए हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और यहां पे हम लोग इसको दिखा देते हैं, आपका दीर्घवृत्त हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो यहां नाभि, यहां भी नाभि है, तो यहां से यहां तक यही ना होगा, यहां से यहां तक यही आपका दीर्घ अक्ष कहलाएगा और इसकी लंबाई 2a होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो यह इसका क्या हो जाएगा, तो यह इसका केंद्र हो जाएगा ना, ये केंद्र हो जाएगा, और इसका निर्देशांक तो आपको पता है 0 0। अच्छा, यहां से यहां तक की लंबाई सी लिख सकते हैं ना, ये भी आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां 2c होता है, नाभियों के बीच की दूरी 2c ना। अच्छा, यहां से यहां आपका a हो जाएगा, तो यहां का निर्देशांक आप 1, 0 लिख सकते हो, और यहां से यहां अगर a हो जाएगा तो यहां का निर्देशांक आप क्या लिख सकते हो, -a, 0। समझ में आ रहा ना बात को, चलिए अगला डेफिनेशन देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लघु अक्ष क्या होता है, यानी कि माइनर एक्सिस क्या होता है। तो लिखा है कि दीर्घ वृत्त के केंद्र से जाता हुआ चाप कर्ण जो दीर्घ अक्ष पर लंब है इसका लघु अक्ष कहलाता है, और दीर्घ वृत्त के अर्ध लघु अक्ष की लंबाई b से सूचित किया जाता है उसको। चलिए समझते हैं, यहाँ पे हमने एक दीर्घ वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इस दीर्घ वृत्त का आप दिखा दो, यहाँ पे ये नाभि हो गया, यहाँ पे s, और इधर एक और नाभि हो गया s डैश। अच्छा, दोनों नाभियों को मिलाने वाला, सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि आपको सब कुछ डेफिनेशन फिर से क्लियर होता रहे। तो ये आपका दीर्घ अक्ष हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके डेफिनेशन को, तो लिखे हैं दीर्घ वृत्त के केंद्र, तो केंद्र कहाँ होगा जी, केंद्र यहाँ होगा, दोनों नाभियों के मध्य का बिंदु, यही आपका केंद्र होगा। और इस केंद्र से होकर जाने वाला चाप कर्ण ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कैसे भी हो सकता है, बस यहां से होकर जाने वाला, लेकिन यहाँ कह रहा है उस पर लंब, तो यहाँ केंद्र पर, केंद्र से होकर जाएगा लेकिन दीर्घ अक्ष पर लंब, तो दीर्घ अक्ष पर लंब और केंद्र से होकर जाने वाला, तो एकदम ऐसे ही ना होगा, यही ना होगा, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, लघु अक्ष कहेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, लघु अक्ष हो जाएगा, लघु अक्ष, क्योंकि देख रहे हैं यह केंद्र से होकर जा रहा है और दीर्घ अक्ष पर लंब भी है, इसलिए इसका नाम लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। और इसकी देख रहे हैं कि इसके जो अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है वह बी है, तो यानी कि यह भी बी होगा, यह भी बी होगा, यानी टोटल जो होगा इसकी 2b हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, लंबाई जो होगा वह 2b होता है, वह क्या होता है, 2b होता है, दीर्घ अक्ष का 2a होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग इसको निर्देशांक अक्षों पे लेके जाएंगे, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका x है, इधर x डैश है, ये आपका y है, और नीचे जो है आपका y डैश है। तो यहाँ पे एक अगर आप दीर्घ वृत्त बनाना चाहें तो वह दीर्घ वृत्त इस तरह से हो सकता है, ये ना होगा। चलिए अब इस पे देखो, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अगर इसको केंद्र माने, इसका केंद्र माने, चलिए इसको केंद्र माने, और यह इस पे लंब है, और यह आपका क्या है, दीर्घ अक्ष है, ये तो पता है ना, ये आपका दीर्घ अक्ष है, तो लघु अक्ष कौन होगा, ये वाला हो जाएगा लघु अक्ष, यहां से यहां तक, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 2b होगी, लघु अक्ष, और इसकी लंबाई 2b होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, और ना भी आपके इधर होंगे, चलिए समझ गए ना। चलो, तो अगर हम लोग बात करें नाभियों के बीच की, तो 2c होती है, तो ये सी हो जाएगा, सब एक्सप्लेन कर दे फिर से। तो यहाँ का नियमक c, 0 ना, और यहाँ का हो जाएगा -c, 0। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a होगी, तो यहाँ का निर्देशांक जो होगा 1, 0, और यहाँ का निर्देशांक -1, 0। चूंकि ये 2b है, तो यहाँ से यहाँ b है, तो यहाँ का निर्देशांक आपका हो जाएगा 0, b, और यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 0, -b। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए अगला देखते हैं, शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। तो दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष तथा दीर्घ वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु दीर्घ वृत्त के शीर्ष कहलाते हैं। चलिए इसको समझते हैं, यह आपका दीर्घ वृत्त हो गया। अगर हम लोग बात करें इसके दीर्घ अक्ष के बारे में, तो दीर्घ अक्ष आपका यह होगा, क्योंकि यह नाभि से होकर जा रहा है, तो यह आपका दीर्घ अक्ष होगा। तो देखो यहां पे हमने लिखा है कि दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष यानी कि इसकी, और दीर्घ वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु, तो दीर्घ वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इसका
और इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ और यहाँ हो रहा है, तो यही दोनों जो है आपके इसके शीर्ष कहलाएंगे। यह भी आपका शीर्ष है दीर्घवृत्त का और यह भी आपका शीर्ष है, समझिए ना। अगर हम लोग इसको निर्देशांक अक्षों पे दिखाना चाहेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मान लीजिए हम लोग इस पे यहाँ पे एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं, इस तरह यहाँ लिख देते हैं एक्स, सॉरी एक्स डैश इधर होगा और वाई, और नीचे आपका वाई डैश होगा। चलो तो आपको पता है कि ये आपका दीर्घ अक्ष होता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दीर्घ अक्ष, अच्छा, और ये दीर्घवृत्त दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है और यहाँ है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, ठीक है, शीर्ष कहलाएगा, यह भी आपका शीर्ष कहलाएगा। तो इस कंडीशन के लिए हमने देखा था अभी इसके पहले कि यहां से यहां तक की दूरी a है और यहां से यहां तक की दूरी a है, चूंकि यह मूल बिंदु है जो आपके दीर्घ अक्ष के लिए केंद्र है, इसलिए यहाँ का नियामक हमने देखा था a,0 और यहाँ का नियामक देखा था -a,0। क्लियर है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग उत्केंद्रता के बारे में, यानी इसेंट्रिसिटी। जैसा कि हमने परवलय में भी देखा था कि परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान 1 होता है, हमने देखा था ना, तो ये होता क्या है उत्केंद्रता, फिर से डिफाइन कर देते हैं कि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता उसके एक नाभि की केंद्र से दूरी तथा एक शीर्ष के केंद्र से दूरी का अनुपात होता है, और इसे ई से सूचित किया जाता है। चलिए समझते हैं, हम लोग एक यहाँ पे हम लोग एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं, ठीक है, आपको पता है कि यह नाभि हो जाएगा, यह भी नाभि हो जाएगा, इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे, इसको भी आप शीर्ष कहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एक अक्ष ले लें, इसका दीर्घ अक्ष खींच दें इस तरह से, ये ना शीर्ष हो जाएंगे, तो ये आप दीर्घ अक्ष ले लिए, ये आपकी नाभियां हैं, ठीक है, ये आपकी नाभियां हैं एस और एस डैश, और ये आपके शीर्ष हैं यहाँ ए और ए डैश मान लेते हैं, ठीक है, शीर्ष। तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी दीर्घ अक्ष सॉरी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता उसके एक नाभि की केंद्र से दूरी, अच्छा केंद्र तो यहाँ हो जाएगा ना, केंद्र को ओ मान लो, चलो तो एक नाभि की केंद्र से दूरी सी होगी, ये आपको पता है, या सी होगी, अच्छा, और एक शीर्ष के केंद्र से दूरी, तो एक शीर्ष के केंद्र से दूरी, तो ये आपको पता है कि ए होता है, इन दोनों का अनुपात ही जो होगा उत्केंद्रता होगा, यानी कि यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा में ए, ई बराबर सी बटा में, तो सी तो छोटा है और ए बड़ा है, सी छोटा है और ए बड़ा है, यानी कि ई का मान यहाँ सी बटा ए का मान जो होगा एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा, यानी उत्केंद्रता का मान एक से छोटा होगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि उत्केंद्रता का मान एक से छोटा होता है दीर्घवृत्त के लिए, और हमने देखा था परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान 1 होता है, देखा था ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नाभि लंब यानी कि लेटस रेक्टम के बारे में। तो दीर्घवृत्त के नाभि से दीर्घ अक्ष पर लंब चाप कर्ण यानी कि दीर्घ अक्ष पर लंब जीवा भी लिख सकते हैं, उसका नाभि लंब कहलाता है। चलिए हम लोग एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं, चलिए आपका ये दीर्घवृत्त हो गया, अच्छा दीर्घवृत्त बना लिया, अच्छा एक दीर्घ अक्ष भी बना लेते हैं जो आपके नाभि से होकर जाता है, ये तो पता है ना। चलिए ये वैसा दीर्घ अक्ष एक ऐसा चाप कर्ण होता है जो नाभियों से होकर जाता है, ठीक है, यहाँ क्या लिखे हैं कि दीर्घवृत्त के नाभियों से दीर्घ अक्ष पर लंब, अच्छा दीर्घवृत्त के नाभियों से और दीर्घ अक्ष पर लंब, मतलब दीर्घ अक्ष पर लंब भी रहेगा और दीर्घ अक्ष पर लंब भी रहेगा और दीर्घवृत्त के नाभि से होकर जाएगा, यानी यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, दोनों जगह से हो सकता है ना। आप देख लो दोनों कंडीशन में दीर्घवृत्त के नाभियों से होकर जा रहा है और दीर्घ अक्ष पर लंब भी है, तो यही आपका, और ये एक चापकर्ण है और यही चापकर्ण जो होता है आपका नाभि लंब कहलाता है, नाभि लंब कहलाता है, और ये दोनों नाभि लंबों की लंबाई एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बारे में इसकी लंबाई कितनी होती है, किस तरह से होता है, इन सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई में संबंध तथा केंद्र के नाभियों की दूरी, मतलब हम इन तीनों में संबंध को देखेंगे, सॉरी स्टेटमेंट में थोड़ा गलती हो गया था, चलिए देख लेते इसको। अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब दीर्घ अक्ष का आधा यानी कि ए, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई यानी कि बी, तथा केंद्र से नाभियों की दूरी यानी कि सी, मतलब ए बी और सी में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, यानी ए बी और सी में क्या संबंध है इसको देखते हैं। चलिए
तो हम लोग यहाँ पे एक दीर्घवृत्त बना लिए। दीर्घवृत्त का यह जो होगा आपका दीर्घ अक्ष होगा और यह जो होगा आपका लघु अक्ष होगा, इतना तो पता है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका नाभि हो जाएगा, तो नाभि को हम लोग एस डैश और एस लिख सकते हैं, क्लियर है, एस डैश और एस लिख सकते हैं। तो एक को एस डैश एक को एस लिख दिए। और ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र को हम लोग कुछ भी दे देते हैं यार, ए बी सी जो भी मन करे हम लोग, चलिए ओ दे देते हैं, ठीक है, अच्छा ओ देते हैं। तो इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी हम लोग जानते हैं ना सी होता है, और यहाँ से ये शीर्ष आपका ए और इधर शीर्ष ए डैश दे देते हैं और ऊपर वाला यहाँ बी दे देते हैं। तो आपको पता है कि ओ ए की लंबाई कितनी होगी, ए हो जाएगी, ओ बी की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है ना। चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो इन तीनों में संबंध इस ए बी और सी में देख रहे हैं ना कि अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि ए, अर्ध लघु अक्ष यानी कि बी, तथा केंद्र से नाभियों की बीच की दूरी, केंद्र से नाभि के बीच की दूरी में संबंध यानी ए बी सी में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। क्या मानते हैं कि मान ए ए डैश दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष है तथा बी डैश लघु अक्ष है, ठीक है, लघु अक्ष है, अच्छा केंद्र जीरो तथा नाभियां एस डैश और एस है। चलिए तो अब यहां पे लिखते हैं ओ एस की लंबाई, आपका ओ एस का लंबाई सी हो जाएगा, ओ एस का लंबाई सी होगा और ओ एस डैश का भी लंबाई सी ही होगा, क्लियर है। अच्छा अगर ओ बी की लंबाई की बात करें तो यह बी हो जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा अगर हम लोग ओ ए की लंबाई देखें, ओ ए की लंबाई तो वो ए होगा और ओ ए डैश का भी लंबाई ए ही होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ भी ए ही होगा। यानी कि अगर पूरी लंबाई बात करें, ए ए डैश की लंबाई की बात करें तो आपका टू हो जाएगा, इसका दो टाइम्स हो जाएगा ना, ए ए टू ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से बी को दोनों नाभियों से मिला देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम तो इसके डेफिनेशन के अनुसार जानते हैं कि इस पे स्थित कोई भी बिंदु होगा तो यहां से यहां तक की दूरी ये दूरी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो लिख सकते हैं ना बी, या बी जो बिंदु है बी, या क्या है जी, बी दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु है, दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु है। तो स्थित बिंदु है तो आपको पता है कि बी एस डैश और प्लस बी एस बराबर हो जाएगा किसके, तो वह अचर दूरी होती है, वह अचर दूरी होती है, मतलब के बराबर हो जाएगा, अचर होता है ना ये हमेशा, और यह अचर दूरी आपकी यहां से यहां तक की लंबाई ही ना होगी जी, तभी तो आपकी अचर दूरी होगी, यानी कि बराबर में हम लोग वह टू ए ले सकते हैं ना। चलो तो इस बी एस डैश की बात करें तो यह दूरी आप कैसे निकालोगे, तो यह देखो यह 90 बन रहा है और ये आपका सी है और ये आपका बी है, तो यहां से बी एस डैश क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी आपका यही हो जाएगा। यहाँ पे देखो यह सी है यह बी है, ये निकालना है, यहाँ भी तो 90 होगा ना, तो आप कैसे लिख दोगे, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर में 2a। चलिए तो यह हो जाएगा 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट के अंदर और बराबर में 2a, 2 से 2 कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो देखे ना ए बी और सी में रिलेशन निकल गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से अगर मान लो बी निकालना है तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर मान लो सी निकालना तो सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए निकालना तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर, इधर जाकर रूट में आ जाएगा ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग तीनों को निकाल सकते हैं। अच्छा क्लियर हो गया, समझ गए। अच्छा एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़ते, हमने पढ़ा हुआ था उत्केंद्रता के बराबर, यानी ई के बराबर में होता है सी बट्टा ए, तो यहाँ से हम लोग सी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अच्छा अगर हम लोग सी की जगह यहाँ पे इसमें कहीं पे भी मान लो इसी में रख देते हैं,
क्योंकि आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में है ए स्क्वायर, तो अगर हम सी की जगह ये रख दें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर, सी की जगह पर रख दिया ना ए ई, चलिए बराबर में ए स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं ना, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन माइनस ई स्क्वायर, तो यह भी आप फॉर्मूला याद रखना। चैप्टर में जैसे हमको फॉर्मूले की जरूरत होगी वो सारे यूज करेंगे, जिस तरह से हमें जरूरत होगी हम लोग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया इतना क्वेश्चन, तो आप सही से हर एक कंसेप्ट को समझना क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, और जब तक सही से सारे कंसेप्ट नहीं मिलेंगे चैप्टर आपको कुछ समझ में नहीं आना। तो जब तक आप डीपली नहीं जान लोगे, अच्छे से नहीं समझोगे चैप्टर तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला यार। तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई ऐसे बताने वाला है। आप इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, टोटल बुक का सॉल्यूशन वहां दिया हुआ है, और प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और मेरे दो अदर चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एक रवि कांत सर के नाम से है जिसपे मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, और एक भारती भवन रवि कांत सर के नाम से है, भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रविकांत सर के नाम से है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लोगे, दोनों को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि देखो भारती भवन से रिलेटेड इस पे मिलेंगे और आपको इंग्लिश मीडियम में इस पे मिलेंगे। आप हिंदी मीडियम हो इससे कोई मतलब नहीं बनता है, आपको सब्सक्राइब करना, आप मेरे स्टूडेंट हो तो जरूर आप जरूर सब्सक्राइब करना, मेरे से पढ़ो, मेरे से इतनी हेल्प मिली है, तो इसके लिए आप लोग इसको भी सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो को भी देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहे, और मैं आपको डेली बाय डेली ऐसे ही चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट शेयर सब करना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।